मैं कंडक्ट करूं, तो मैं इस मौके की धन्यवाद अदा करते हुए शुरू करती हूं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो आज मैं एक टाइटल्ड टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाह रही हूं, वो है तमिल, बाद में उसका ट्रांसलेशन। सो टॉपिक ये है धर्मम तलेकाकुम। उसका मतलब क्या है, जैसे धर्मम इज धर्म राइचुअसनेस, तले इज हेड, काकुम इज प्रोटेक्ट। तो इसको हम संस्कृत में ट्रांसलेट करें तो संस्कृत का इसका जो है लाइन, धर्मो रक्षति रक्षितः। उसका मतलब क्या है, जो धर्म का पालन करेगा धर्म उसका प्रोटेक्शन करेगी। दैट इज द टाइटल आई वॉन्ट टू डिस्कस। एंड उसके पहले आई वुड लाइक टू गो बैक टू आर ग्रेट एपिक रामायण एंड एनालाइज थ्री कैरेक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भगवान राम, माँ सीता एंड रावण, द डीमन किंग रावण, और हाउ इट्स वी कैन अप्लाई इट इन टूडेज वर्ल्ड। दैट्स वॉट द एजेंडा इज। तो जैसे हम सबको पता है लॉर्ड भगवान राम धर्म की पालन किए। देर आर मेनी इंसिडेंसेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रामायण वेयर ही फॉलोड इट। क्विकली आई वुड लाइक टू समराइज ऑन अ कपल ऑफ पॉइंट्स। वन, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, दूसरे पिता की आज्ञा पालन किए। जब उनका कोरोनेशन होने वाली थी, द प्रीवियस डे व्हेन ही वाज आस्क्ड, उनको किंगडम से बैनिश किया गया, ही फॉलोड दैट। ऑल्सो व्हेन ही वाज इन द फॉरेस्ट, ही फॉलोड कंप्लीट धर्म। एंड जब सीता माँ की अपहरण हुई थी रावण से, इन अ रॉन्ग वे, फिर भी उनके पास सब पावर था, वो ऐसे ही सीता माँ को वापस उधर से उठा के ले आ सकते थे, बट नहीं, उन्होंने धर्म का पालन किया। ही वेंट थ्रू ट्रेचरस जर्नी एंड देन फाइनली कमिंग टू इट, वॉर के पहले, जाने के पहले, लंका के ऊपर युद्ध करने के पहले भी उन्होंने भगवान हनुमान के द्वारा दूध बना के भेजे और बोले कि सीता माँ को छोड़ दो, बट रावण ने फॉलो नहीं किया। बाद में हम सबको पता है कि रावण के अंत हुआ और वो सीता माँ को राइट तरीके से वापस उधर से छुड़ा के लेके आए। तो ये है लॉर्ड भगवान। अभी हम माँ सीता के बारे में बात करते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एनालाइज किया जाए तो उन्होंने भी धर्म की पालन किया। तो वन की इंसिडेंट्स दैट आई वुड लाइक टू नरेट इज, जब रावण ने उनका अपहरण किया और अशोक वाटिका में रख के पहले उनको एंटाइस किया, मैं तुम्हें अपने पूरे किंगडम दूंगा, तुम्हें अपने क्वीन बनाऊंगा, पूरे तुम्हारे सुनेंगे एंड ऑल द मेटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स। ही ट्राइड टू अपील हर विद ऑल द मेटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स, फिर भी माँ ने यील्ड नहीं किया। बाद में उन्होंने धमकी भी दिया, बोला अभी तुम्हें एक महीने का टाइम है, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दूंगा ऐसे, तब उस समय जब भगवान हनुमान आए और माँ सीता को उनकी विश्व रूप दिखाए और बोले चलो माँ तुम मेरे पीठ में बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेके भगवान राम के पास पहुंचाता हूँ, फिर भी सीता माँ यील्ड नहीं किए, उन्होंने उनको, दैट वाज द अपॉर्चुनिटी, शी कुड हैव जस्ट टैप्ड ऑन इट, एक साल से वो शी वाज गोइंग थ्रू ट्रबल टॉर्चर, बट उन्होंने नहीं किया। उन्होंने फिर उधर भी धर्म की पालन किया, उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसे आ जाऊं तो रावण और राम के अंतर क्या बीच है, मेरे भगवान ही आके मुझे छुड़ा के लेके जाएंगे। सो शी एग्जिबिटेड दैट। नाउ लुकिंग एट लॉर्ड, लुकिंग एट किंग रावण, व्हाट आर हिज कैरेक्टरिस्टिक्स। हम सबको पता है कि उनमें एक बुरी नजर थी, पराय विमेन, ही वाज लुकिंग एट विमेन इन द रॉन्ग एंगल, और शादीशुदा विमेन को भी वो पाना चाहते थे। सो दैट्स ऑल, दैट इज द हाईलाइट ऑफ इट, बट रावण हैड सेवरल गुड क्वालिटीज। What were they, He was an able administrator. Lanka city ko kaha jata hai, jab wo rule kar rahe the, wo kaha jata hai ki, it was a golden city. Roads bhi gold mein banaye hue the, the houses were all made of gold, etc., etc. He was a learned scholar, Unko sab, shastr, ved, puran, sab he had learnt and digested it and he was a scholar. एंड वो आर्डन डिवोटी, घोर तपस्या करके शिव की, भगवान शिव की वरदान पाए थे, वैसे ही ब्रह्म से वरदान पाए थे, उनके पास इतने सारे वरदान थे, और ये वरदान भी था कि उनको कोई मार नहीं सकता है।
अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, राइट। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कैलाश पर्वत को उठाया, उनके पास इतने पावर था। ये सब होते हुए भी उनके पास एक नेगेटिव एस्पेक्ट था जिसके बारे में मैंने कहा, और उन्होंने धर्मा की रक्षणा नहीं की। At what did we see, right? At the end, हम सबको पता है, right? हम सबको पता है what was the end? राम भगवान enduring long pain, and then सीता also enduring long pain, and then finally रावण की हद होती है और वो ब्राह्मण होके उनका हद होती है। इसलिए रामेश्वरम, जहाँ साउथ में वो कहा जाता है कि राम भगवान ने शिव से प्रार्थना की कि उनकी सिंस अब्सॉल्व हो, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण का हत्या किया और रामेश्वरम मूर्ति का स्थापना हुई है। दैट्स वन स्टोरी। सो I would like to pause here and मैं इधर open करना चाह रही हूँ आज की in the 21st century, how is this applicable? धर्मो रक्षति रक्षितः, what are all your take? आपका points क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सब old fashioned है, आप कौन से जमाने में अभी रह रहे हो, आगे बढ़ो, अब हम कलयुग में हैं, इधर तो सब चलती है, right? आगे आज का हमारे कर्म से ही हमारी फल निश्चित होती है, आगे हमारी लाइफ कैसे मिलेगा वो सब जब होगा देखा जाएगा, अभी आप एंजॉय करो ना, आपके साथ सब है, व्हाई ये सबको आप फॉरगो करके व्हाई यू हैव टू फॉलो द राइचुअस लाइफ। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते भी हैं और बोलते हैं कि आप इतने एडवांस्ड कंट्री में रह के, यूएस में रह के, इतने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फील्ड में होके फिर भी व्हाई डू यू सब्सक्राइब टू इट। सो बहुत सारे सोच आते जाते हैं और ये सब हमारी पर्सनल सब्सक्रिप्शन है, किसको हम सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं, डू वी वॉन्ट टू फॉलो इट और डू यू वॉन्ट टू गो ऑफ द ट्रैक एंड देन डू वॉट इज राइट, बट एट द एंड ऑफ वॉट इज नॉट राइट। एट द एंड ऑफ द डे धर्म इज लाइक एनर्जी, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, इट प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट इट। सो मैं इधर पॉज करती हूँ, बस अभी 3 मिनट है एंड आई विल ओपन इट अप फॉर डिस्कशन। इट्स ओपन, what is your eye, right? People can subscribe to it, not subscribe to it, it's totally fine. It'll be open conversation and then Guruji aake he will take over the session. Thank you all for listening to me and giving me this opportunity. Thank you. I think all of you can unmute yourself and speak. Namaste Jayaji. Namaste Poonam. Poonam here. What I feel is it is as relevant today as it has ever been. When we say dharmo rakshati rakshate, dharma is something which is right. It does not mean religion. So whatever we do which is right by all means will always be prevalent. That is my take on this. And I am 100% with this thought, because when Lord Rama, when he went to Lanka to and whatever the war ensued, it was not for establishing anything, it was for righteousness. The cause was right and rightful means were employed to ensure so that dharma prevailed. So this is my take on this. Excellent take. Yeah, good. Anybody else? Okay, then if not, blessings to all, and we'll wait for Guruji to come and take over. Thank you. I want to say something. Sure. My God, first of all, give bless, wait, for Jayaji. Just see what the timing there. Can you believe it? इस वक्त वहां पर जो समय हो रहा होगा, कम से कम वो करीब मॉर्निंग का 7:38 के आसपास हो रहा होगा। 7 AM. अब आप बताइए, हमारा आदेश का एक हमारा रिक्वेस्ट गया कि जया जी कल आप बताइएगा और वॉट एवर यू वॉन्ट टू से विच इज यूजफुल फॉर अस वो हमें बताइए। देन हाउ ब्यूटिफुली अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन अलॉन्ग विद द थॉट शी डिलीवर्ड रियली रियली रियली। एक बात तो तय हो गई कि मेरे न रहने पर सेशन बराबर बराबर चलते रहेंगे बस, लेकिन उसके साथ साथ मुझे नहीं मालूम कि इतने अच्छे देखिए ज्ञान कहीं से भी पकड़ सकते हैं आप। अब ज्ञान देखिए राम सीता और रावण, रामायण के उठा गया तीसरी चीज जो कही खास कि धर्म का पालन आप करो, द
धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धर्म क्या, धर्म हमने कहा आपको अलग अलग होते धर्म भी। पहला धर्म आपका एक शरीर धर्म होता है, शरीर का धर्म होता है, एक रिश्तों का धर्म होता है ना, एक आपका व्यवसायिक धर्म होता है। ये धर्म मतलब इसको आप हिंदू मुस्लिम इससे जोड़ना। अब आप आए शरीर का धर्म क्या है, उसका ध्यान रखो, उसका ध्यान रखोगे तो वो फिर आपका ध्यान रखेगा, आपकी चुस्ती फुर्ती स्फूर्ति सब रखेगा, है ना। अब हम शरीर पे ध्यान नहीं रख रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, लीवर में खाना पीना उल्टा सीधा खा रहे हैं, चिंता ही नहीं कर रहे, जस्ट ईटिंग अवर स्टमक इज ए गार्बेज बैग, गार्बेज बॉक्स। लीवर भी बेचारा कब तक काम करेगा, एक टाइम में फिर वो बीमारी होने लगती है, बोले मेरी तो किस्मत ही खराब है, आई एम वेरी अनलकी, मेरा तो लीवर खराब हो गया, मेरा तो ये खराब हो गया। अरे माई गॉड, आपने उस धर्म का, जो शरीर का धर्म का पालन किया क्या? मैं मानता हूं कई केसेस में ऐसा भी होता है कि हम भले अपने आप को स्वस्थ रखते हैं डाले, लेकिन वो हमें पीड़ा मिलती है, लेकिन उस केस में हमें उससे सहने की शक्ति हमारे पास रहेगी। कोई भी पीड़ा आनी है वो तो आएगी, लेकिन उसको बढ़ाना या घटाना हम लोगों के हाथ में है। तो शरीर का धर्म भी यही कहते हैं, अगर तुम शरीर का धर्म का पालन करोगे तो सुरक्षा के लिए आप क्या। अब धर्म का पालन गुड इंटेंशन के साथ। अब एक पत्नी धर्म का पालन करे, सीता थी, एवरीबॉडी नो इट, उसको हनुमान जी लेकर आने आ गए। तो व्हाट वाज द एसेंस ऑफ दैट वर्ड, कि सीता जी बोले नहीं, अगर मैं भी चली जाऊंगी तो मेरा अपना आप लेकर जाओगे, तो मुझमें और रावण में कुछ अंतर नहीं रहा, मेरे पति को लज्जित नहीं होने दूंगी, मेरे पति अपने पुरुषार्थ छोड़ा के लेकर आएगा। अभी तक कितना सोचते हैं हम आज की तारीख में, आज की तारीख में अगर इसको प्रायोगिक रूप में देखो, वो वाली बात अलग है, वो अवतारों की कहानी थी। आज की तारीख में अगर कोई मेयर को पकड़ के ले जाता है ना, और एक कमरे में बंद कर देता है और मुझे भागने का मौका मिलता है, तो नहीं यार मेरा तो बड़ा भाई छुड़ा के ले जाएगा। आई कांट अप्लाई दिस नॉलेज, बट द इंटेंशन, वह मैसेज देने के लिए स्टोरी थी कि आप अपना पुरुषार्थ मत करो। अब ये तो आपकी कायरता हुई ना, या तो आप लड़कर बाहर निकलो, या आपको जबरदस्ती है ना तो बल का प्रयोग जरूर कर दो। उसके अंदर मैं इसमें एक संदेश जो दिया सीता जी ने, ये कहकर नहीं, मेरा पति पे पुरुषार्थ विश्वास है, अगर मेरे पति के पास से रावण ले गया वो छुड़ा के लेके आएंगे, तो वो संदेश को आप समझें। वही संदेश रावण ने भी दिया, रावण का वो कुछ कहते हैं राम से सत्यानाथ जैसे रावण को लेकर, लेकिन रावण ने मर्यादा नहीं खोई, भले उसकी बुरी दृष्टि गई लेकिन उसको अलग रखा, उसकी परछाई भी नहीं पड़ने दी उसमें, उसमें उसका इंटेंशन साफ था, बट लेकिन एक अहंकार था उसमें, ये एक जंगलवासी मेरे ऊपर ही करेगा। अब देखिए अहंकार और भक्ति, भक्ति उसके पास शिव की थी, उस भक्ति के ताकत में उसने कैलाश उठा लिया था, और वो अहंकार की ताकत लेके चला तो अंगद का पेड़ भी नहीं उठा पाया। तो कौन सी एनर्जी आप कहां पर उपयोग में ले रहे हैं, दैट इज मिस कंसर्न। तो मैंने जया जी की कहानी से एसेंस निकाला है कि हमें ऐसा नहीं कि कहानी सुनकर ताली बजा देना, नहीं, हमने आज जया जी ने क्या बोला है इनकी बातों से हम आज क्या सीख ले सकते हैं, हाउ वी कैन अप्लाई ऑन आवर सेल्फ। यस, कई बार ऐसा होता है उसको अप्लाई करने में हमें बहुत दिक्कत जाती है, अरे यार ऐसा कैसे होगा, क्योंकि बुद्धि देविक संपदा असुरी संपदा, पहले के जमाने में तो देव और असुर अलग अलग होते थे, इसीलिए त्रेता युग बोलते थे, ये युग बोलते थे। अभी कलयुग में तो, कलयुग में तो गीता में कह गए कि आपके दोनों साथ में रहेंगे, आपके असुर भी गुण भी रहेंगे, देवी गुण भी साथ में रहेंगे। तो अभी वर्तमान में तो हमारा जो पांच तत्व का शरीर इस माहौल में है कलयुग में, इसमें देवी संपदा असुर संपदा, हमारी देवता हमारा राक्षस दोनों मौजूद है, वो राक्षस होकर भी उसमें राक्षस ही गुण थे, लेकिन उसमें राक्षस गुण देने के बाद भी कभी कभी उसमें देवी गुण भी, रावण भी लेको, भक्ति किसी प्रधान। तो ये बातें कहीं ना कहीं हम नॉलेज के रूप में आज बोलना चाहते थे, बोला, और
वर्तमान में जिस प्रकार हर धर्म निभाना है, शरीर का धर्म निभाना है, हमें निभाना है। आज की तारीख में ये आपको मैं बता दूं, आप माने या ना माने, अगर आप रिश्तों के धर्म में चल रहे, अगर कोई रिश्ता आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो आप भी उसके साथ गलत व्यवहार करोगे। मतलब वही सीता वाली बात हो गई कि रावण ने मुझे उठाया, मैं भी रावण बन जाऊं, तो कम से कम यहां पर तो वो तो अप्लाई कर सकते ना। यस नो, आज हम जिस प्रकार कहते हैं किसी ने हमारे साथ गलत किया तो मैं भी उसका जवाब, अरे तेरे 12 बजा दूंगा, ही करूंगा नहीं यार। जस्ट इवन अगर आपको किसी ने क्रोध में बोल दिया, आप तो 5 मिनट सुन भी लिया, वो खुद ही सॉरी बोलेगा। आप भी क्रोधित होके उसको जवाब देकर अपने शरीर को तनाव मुक्त कर लेते हो, शरीर धर्म से भूल जाते हो। शरीर का धर्म क्या? काम क्रोध लोभ ईर्ष्या से मुक्त रहना। आई थिंक टुडे नॉलेज इज इनफ। 846, ओके। मैं बड़ा, जैसे जया जी ने बताया नॉलेज अच्छी बात, उसको मैंने आपके सामने इजी प्रेजेंट कर दिया। जया जी ने जैसे मीनू बनाया, मैंने आपके पास थाली में परोस दिया कि आपको कैसे खाना। यही आप सहमत इस बात से? कितना प्यारा मीनू बना के दिया कि ऐसा होता है ऐसा होता है। वो भाव भी इन्वॉल्व थे, बोलने के अंदाज थे, पहली बार होगा, पहली बार मैं ऐसा कर रही हूँ, और एक वो भी शेयर वो होगा मन में, लेकिन आज आई एम वेरी हैप्पी। नेक्स्ट टाइम वो अभी भी इसको बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन जहां तक कोई बात किसी के लिए बोलना हो वो बात अलग, देखिए बोलने का भी अलग है, किसी की कोई सब्जेक्ट के ऊपर बोलना हो तो बात अलग है, मेरे बारे में बोलना हो वो बात अलग है, लेकिन आपको खुद को ज्ञान देना इनके ऊपर छोड़ दिया मैंने, तो फिर कहीं ना कहीं एक अपने मन में एक तैयारी भी होती है, और वाकई वह तैयारी में 100 में से 100 नंबर मिले जाए तुमको। बट बिल्कुल नहीं मस्त रहो अपने हिसाब से, इसीलिए मेरे को अकेला नहीं हूं जिसको ज्ञान देने का अधिकार है, मेरे सामने न जाने कितने कृष्णा गुरु जी मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं मैं उनसे सीख सकता हूं। तो हम ये मंच ऐसा नहीं चलेंगे लेकर कि एक दाढ़ी वाला आ गया बैठ के लेक्चर दे दिया हमने, एवरीबॉडी फ्री, और वो अपने को उस कुंठा से गिल्ट से मुक्त कर दो कि अरे गुरु जी के आगे नहीं बोलना जी, नहीं आप अगर कोई विचार ऐसे आए गुरु जी के साथ, आप तो लोगों को आप मुझे बोलो, मैं आपको मौका, मैं क्या मौका दूंगा, आपकी क्वालिटी आपका देवता देगा, ठीक है। अब आज हम वापस आते हैं हमारे इस पर, आज का था हमारा पितृदोष का ना। सामान्यतः आप जो बने खुद के ज्योतिष जो श्रृंखला में हमने आपको बताया था कि आपका 9th हाउस आपके फादर का होता है ना, तो आपका 9th हाउस देखने के 2 तरीके, एक तो आपको अपनी लग्न कुंडली से देखना है, अभी मत देखें आप, अभी ढूंढा नहीं करें, लग्न कुंडली, लग्न आपको मालूम है, मेरे लग्न कुंडली से 9th हाउस कौन सा है, और मेरे चंद्र कुंडली मून मतलब क्या, जिसमें मेरा मून प्लेस्ड है, ओके, जहां पर मेरा मून प्लेस्ड है, उससे आपके 9th हाउस 2 होंगे, एक तो आपका लग्न कुंडली से होगा और एक आपका मून कुंडली से होगा, तो आप इस दोनों पे नजर मारना और देखना कि आपकी लग्न कुंडली से 9th हाउस और आपकी राशि कुंडली से 9th हाउस क्या उन 9th हाउस में सूर्य विराजित है। अगर सूर्य विराजित है उसके बाद ही आगे की कहानी बढ़ेगी पितृदोष की। इफ इन द 9th हाउस अगर आपके लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली थे, आपके 9वें भाव में सूर्य मौजूद, ग्रह मौजूद है, पर उग्लिष्ट सूर्य देव के साथ राहु केतु शनि ये कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि ग्रहण कर देते हैं, हम पितृदोष नहीं बोलेंगे, हम पितृकृपा ही बोलेंगे, तो वह जो सामान्य भाषा में कहा जा रहा है पितृदोष पितृदोष पितृदोष, पितरों का दोष थोड़ी होता है वो, तो मैं आपको शब्दावली में समझा रहा हूं, तो वह पितृकृपा कम होती है अगर आपके 9th हाउस में सन के साथ राहु सैटर्न या केतु आ जाए, शनि राइट अलोंग विद द सैटर्न अलोंग विद द सन 9th हाउस अगर लग्न कुंडली से चंद्र कुंडली से अगर 9th हाउस में आपका सन है और सन के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है राहु का केतु का शनि का प्राइमरी 8th, तो वह
पितृ दोष कहलाता है, ठीक है, पितृ कृपा कम होगी ऐसा कहते हैं। अब वह तो हमारे हाथ में है नहीं, जो हमारा बर्थ हुआ चार्ट तो हमारा चार्ट आ गया साथ में, है ना भाई। अपने को तो मालूम ही नहीं पितृ कृपा क्या है क्या नहीं, अपने को तो पितृ कृपा कम क्यों हो रही है, अपने को तो अपना चार्ट बताना, क्योंकि आपको आपको आपका अतीत तो मालूम नहीं। लेकिन यह चार्ट आपका ये सुधार करने को देता कि अपने माता पिता पेरेंट्स की ओर सेवा कर दो, है ना। आप समझिए, आप गॉट इट। तो तीसरे वर्ड में जाता हूं मैं, तो पितृ दोष आम मात्र में पितृ कृपा बोलते हैं उसको, मैं पितृ प्रकार कम कृपा कम होती है। और वह सूर्य सामान्यता इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग लोगों ने बोला है। आज मैंने पांच एस्ट्रोलॉजर से बात करी, कोई बोलता है दशम भाव, क्यों हर व्यक्ति अपना ज्ञान छोड़ना चाहता है। एक मैं एक लेमैन के रूप में मैंने फोन लगा के पूछा व्हाट इज पितृदोष, और देखिए साहब इसके बारे में मेरा मत तो ये है, माय गॉड द एस्ट्रोलॉजर्स कैरिंग देयर ओन ईगो, ओ माय गॉड। मैंने कहा ये तो काम है, बोले मेरे मत के हिसाब से। मैंने कहा आपने एक सामान्य जातक, मैंने वही प्रश्न किया उनसे जानने के लिए, एक सामान्य हिसाब से कि एक आम इंसान को, एक लेमैन को अगर अपनी पत्रिका देखना है उसको पितृदोष देखना है तो कहां से देखेगा। पहली बात आप दसवें घर में होगा ऐसा हो, अरे मैंने कहा मैं आपसे डिटेल में नहीं जा रहा हूं, तो फिर आप इसमें ना उलझे, बस ये माने पितृ कृपा कम होगी पितृ दोष है। पर हाँ, अब बने खुद के ज्योतिष में अगर आपके हॉरोस्कोप में देखिएगा चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली, है ना, ये आप समझ गया ना चंद्र कुंडली लग्न कुंडली क्या होती है, ये तो समझ गया ना। उसमें से आप नाइन्थ हाउस में देखिएगा अगर सन है, पहली बात, अगर सन नहीं तो रहने दीजिए, सन है और अगर उसके साथ राहु केतु शनि इनकी युति है, मतलब साथ बैठे हैं, तो वह पितृ दोष के कारण। और बाय चांस अगर आपके हॉरोस्कोप में सूर्य के साथ शनि राहु केतु और ये ग्रह भी किसी भी घर में मौजूद है तो वह ग्रहण दोष कहलाते हैं, ग्रहण दोष कहलाते हैं, है ना। तो आप उस ग्रह से संबंधित वह जितने फायदे उसका समय नाश कर देगा। अब आपको बताऊं मैं, मेरे चार्ट में 12th हाउस में लग्न कुंडली से सूर्य और राहु साथ में, ठीक है, और मेरे चार्ट में चंद्र कुंडली से 9th हाउस में मेरे पितृ दोष बन रहा है, ठीक है। यस, मेरा मेरा राशि है वृश्चिक, वृश्चिक मीन्स मेरा मून है वो मेरे फोर्थ हाउस में है, तो वो मेरी राशि हो गई। अब फोर्थ हाउस से नाइन्थ हाउस गिरेंगे तो फोर फिफ्थ सेवन एट, फोर फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, मिस मून कुंडली से मेरे ट्वेल्थ में मेरा पितृ दोष बना। लेकिन आप लोगों की ब्लेसिंग से मेरे को कृपा ऐसी मिली, वो वही मारा ग्रह, वही ग्रह जो वो कहीं से कहीं मेरे शरीर का तो नाश कर दिया उन्होंने, मैं नहीं मानता शरीर का मेरा जो हुआ लॉस, लेकिन उसके बावजूद उसका उजला पक्ष भी था कि उजला पक्ष आदमी को ज्ञान की दुनिया में ले आया। अरे मैं भाना बना लू मेरे को पितृ दोष है और मेरी तो जिंदगी, क्योंकि हम हमेशा अवसर ढूंढते मौके ढूंढते किस पे रोपिक करें अपनी गलती की दशा, और पत्रिका पे ढोल दी, कभी अपने भाग्य पे ढोल दी। अरे नहीं करने का, पत्रिका भी आपसे है, भाग्य भी आपसे है, आपके कर्म क्या है ये मैंने एक तो कोई भी ग्रहण से डरना नहीं, डोंट पिक अप फियर, रिस्पेक्ट द रेमेडी, इफ समवन इन एस्ट्रोलॉजर गिविंग द रेमेडी फॉलो दैट रेमेडी। आप पितृ दोष करेंगे एक 1000 कम से कम 7 8 आ जाएंगे, पितृ दोष का क्या होता है, पितृ दोष के उपाय, गो इन द विकिपीडिया, पितृ दोष विकिपीडिया, यू विल गेट द शॉर्ट सिनॉप्सिस अबाउट द पितृ दोष, दैट इज अ गुड नॉलेज इन द शॉर्ट। में आपको विकिपीडिया में पितृ दोष करेंगे आप तो वो आ भी जाता है, यू विल कम टू नो इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, सो दैट यू कैन गेट इट। इफ यू, इफ आई रिस्पेक्ट ऑल द एस्ट्रोलॉजर आल्सो, दोस आर ऑफरिंग द नॉलेज, बट नॉलेज के साथ साथ उनको क्या है, वो उनके साथ उनका भी चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, ये भी कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, नहीं। लेकिन वह आप लोग नए हो तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बने खुद की ज्योतिष की धारा में आपको लेकर जा रहा हूं। तो सिर्फ आप विकिपीडिया में चले जाइएगा, पितृ दोष क्या है देखिएगा, आप पढ़ लेंगे आपको समझ में आएगा।
मे बी समानता विकिपीडिया कैसा चैप्टर है जिसको ऑथेंटिसिटी हम कह सकते हैं, है ना? यस नो गॉट इट। अब आते हैं एस्ट्रो उपाय पे। हमने आपको पहले कहा था पितृदोष का उपाय, आपको कई उपाय मिल जाएंगे, 1 2 3 4। आप ये करो, पीपल के वृक्ष पे दीपक लगाओ, अमावस को ये करो, न जाने कितने उपाय। ये उपाय ढूंढने का काम भी मैं ही आपको देता हूं। पितृदोष रेमेडी, ओ माय गॉड, यू विल गेट द हाईली डेकोरेटेड यूट्यूबर्स, यू विल गेट 1000 रेमेडीज। बट कंफ्यूज नहीं होना, अगर वो करने जाओगे तो वाकई आप दोष से ग्रस्त हो जाओगे। वो अगर रेमेडी कोई करने जाए, अभी कर लिया जिस पे फेद है उसको पालन कर लिया, पालन कर लिया, भाई मेरा चार्ट देख लो, और हमें क्यों करना, अभी तो आप खुद ही देखो। और एनी कोई भी रेमेडी मेरे हिसाब से जो पितृदोष की उपाय है, पितरों के दोष भी नहीं बोलूंगा, फिर वापस अपने वर्ड लेता हूं, पितृ कृपा कम हो जाती है उसके लिए, हम के लिए बेस्ट है पीपल के वृक्ष का, अमावस्या का, एकादशी का, विष्णु की पूजा। और आप अलग अलग, आज आज की तारीख में आपको 10 एस्ट्रोलॉजर को बोलूं तो 10 अलग अलग रेमेडी वो दे देंगे, और आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार ये तो कर ली, ये तो करी नहीं, अरे यार ये नहीं करी, वो नहीं करी, इसलिए फर्क पड़ रहा है। एक पूजा होती है आपके कस्टम में, आप देख लीजिएगा, जो भी होगा पता लगेगा। अब हमें आपको पता लग गया, सिंपल। अब मैं आपको एक सब ज्योतिषियों को प्रणाम करते हुए जो उन्होंने ज्ञान दिया है, और जो भी उनका वो है रेमेडीज जो वो देते हैं, उनके साथ साथ मैं एक आपको रेमेडी दे रहा हूं। ये रेमेडी मैं डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग वाला हूं, कोई प्लैनेट आप, हम डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग वाले हैं, हम अपने प्लैनेट खुद हील करते हैं, तो अपने उपाय के भी दोषों के भी वो भी हम खुद करेंगे। तो फॉर पितृ दोषा इज द बेस्ट रेमेडी इज पितृ प्राणायाम। आइदर गो इन फ्रंट ऑफ एनी पीपल, पीपल के वृक्ष पे चले जाए आप, जो चक्कर लगाने का बोला जाता है 108 साल, वो भी लगा लिया, और वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर आप अगर पितृ प्राणायाम करेंगे, आप, मैं आज तक मेरे ख्याल से किसी ने सुना नहीं होगा, ये बड़ी आप लोगों ने सुना है, पितृ प्राणायाम एक सर्वोत्तम स्वयं के द्वारा किया गया उपाय है, जो पितृ कृपा, जो पितृ कृपा कम होती है उसको बढ़ाता है। भाई पितृ दोष जमता नहीं मुझे, पितृ के साथ दोष, अरे पितृ माँ तो मेरी ऐसी, वो खुद मरेगी तो भी बोलेगी मेरे 4 बूंद बच्चे मेरे बेटे को दे दो। ये आपको एहसास कराने के लिए ज्योति भाइयों ने कहा कि भाई आपने आपके माता पिता की सेवा करो, आपने अपने माता पिता की सेवा के, मैं ऋषि मुनि बहुत बुद्धिमान थे उस वक्त, उनको मालूम था युग ऐसा आएगा, आज जो खगोल घटनाएं हो रही वो पहले ही करके रखी उन्होंने, ऐसा युग भी आएगा जिसमें माता पिता की इज्जत नहीं होगी, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा करो। कुछ सालों पहले पितृदोष का नाम तक नहीं था, ये आपको बड़ा प्रैक्टिकली बता दूं, मैं आपको कोई जानता नहीं था, जितने जितने हम जानते गए पितृदोष ये हो, बाकी तो कुछ नहीं बेटा, सुबह उठे खाना खाने निकले गए, काय की पत्री का, काय का ज्योतिष, वो आ गया गुरु आ गया, कहीं नाम रखा है रामो रामो राम रख दो, चलो कितने सरल सहज रहते थे, खुश रहते थे, मस्त रहते थे, एंजॉय करते थे। तो हम भी क्यों ना अपने आप से कनेक्ट हो और पितृ प्राणायाम करें, और पितृ प्राणायाम करेंगे तो इसलिए नहीं कि हमारा पितृ दोष दूर होगा, ये हमारा दायित्व है। आपको आता है पितृ प्राणायाम ना? यस एवरीबॉडी नो इट, यस। कितने लोगों को आता है पितृ प्राणायाम? ओ माय गॉड कंचन, देखो जो वासु को मालूम है, गीता जी को मालूम है, कंचन जी को नहीं मालूम। चलो एक बार हम डेमो कर लेते हैं, आपको वाकई आप करिए इसको, आपको क्या बताएं इसके अनुभव क्या होंगे आपको। चलिए मैं आपको ऑफर कर रहा हूं और उसके बाद मैं आपको एक बार सिखा रहा हूं वापस। Can I share one experience, Guruji, when we did last time? हाँ यस, एक मिनट बोल बेटा, एक मिनट, हम यस या प्रणाम गुरुजी, आई जस्ट वांटेड टू शेयर ऑन एक्सपीरियंस लाइक लास्ट टाइम व्हेन वी डिड वन ऑफ दिस प्राणायाम।